प्रणाम दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया का अपना खुद का वन ऑफ द बेस्ट इंडियन बैटल रॉयल गेम के बारे में। और हाँ, मैं यहाँ पर इंडस और यूजीडब्ल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वो वन ऑफ द बेस्ट बैटल रॉयल गेम इंडिया में अभी तक नहीं है। तो देखो, मतलब किसी गेम में ग्राफिक्स बढ़िया नहीं होती, या कह सकते हो किसी गेम में कुछ कमियां होती है बैटल रॉयल गेम में, हमारे इंडिया के खुद के गेम में, लाइक इंडस में कुछ कमियां, यूजीडब्ल्यू में कुछ कमियां है, यानी परफेक्ट गेम नहीं है, तो लाइक उनके ऊपर सब कोई वीडियो बनाते हैं, ठीक है। मतलब की इंडस एक्सपोज, इंडस में ये बढ़िया नहीं है, यूजीडब्ल्यू गेम पे बढ़िया नहीं लग रहा, कॉपी है, वैसा वैसा। बट लाइक जो गेम बहुत ही बढ़िया है उसके बारे में कोई वीडियो क्यों नहीं बनाता है, यानी कि इनडायरेक्टली गेम की कमियां के बारे में, गेम में वो बढ़िया नहीं है, वो सो बढ़िया नहीं है, उसके बारे में सभी लोग बात करते हैं, पर जो बढ़िया चीज है, जो एकदम बेस्ट है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो आज हम वन ऑफ द बेस्ट इंडियन बैटल रॉयल गेम के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। उसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से बताने वाले हैं और उसको आपको डाउनलोड करना भी सिखाने वाले हैं, वो भी बिल्कुल ऑफिशियली प्ले स्टोर से। तो जी हां गाइस, आप में से कुछ मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो जान गए होंगे मैं अभी किस गेम की बात करने वाला हूँ। यस, इस गेम का नाम है स्कारफॉल 2.0। अब देखो, मैंने बहुत ही सारे इंडियन बैटल रॉयल गेम्स को प्ले किया है, बट इस जैसा गेम, इस जैसे ग्राफिक्स, इस जैसे कंट्रोल्स, भाई इतना स्मूथ गेम प्ले मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, मुझे किसी में भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ ये गेम को छोड़कर। इसके लिए मैं इसको इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंडियन बैटल रॉयल गेम बोल रहा हूँ, और ये वर्ड बोलना बहुत ही बड़ी बात है, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंडियन बैटल रॉयल गेम। अब देखो, आप लोगों ने भी मतलब कि बहुत सारे लाइक इंडियन बैटल रॉयल गेम्स खेले होंगे बीटा टेस्टिंग में, जैसे कि इंडस, यूजीडब्ल्यू, या फिर कह सकते हो अदर गेम्स, जो भी मतलब कि इंडियन गेम्स होंगे बैटल रॉयल वाले। और आप ही मतलब कि बताना, ये स्कारफॉल 2.0 के गेम प्ले और इन सब गेम प्ले में आपको जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। वैसे अगर आपको देखने से बताना चल रहा हूँ तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। देखो, इंडस भी मैं बहुत ही लाइक हफ्तों से प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, और यूजीडब्ल्यू के भी 4 प्ले टेस्ट मैंने लगातार प्ले किए हैं, उनका बीटा टेस्टिंग प्ले कर रहा हूँ, इन दोनों गेम्स का बीटा टेस्टिंग। और जबकि स्कारफॉल 2.0 लास्ट 4 मंथ से मेरे मोबाइल के अंदर इंस्टॉल है, ओनली फॉर अल्फा फेज के अंदर। अभी अल्फा के बाद उसका बीटा स्टेज आएगा, अल्फा फेज के अंदर ही ये गेम इन दोनों गेम के बीटा टेस्टिंग से बेटर रिजल्ट लेके देता है, ठीक है, बेटर ग्राफिक्स लेके देता है, बेटर कंट्रोल्स लाके देता है, बेटर एफपीएस लाके देता है। स्कारफॉल 2.0 के अंदर 2 मैप है, 4 मोड्स है, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीडीएम मोड्स भी है। इस गेम के अंदर अल्फा टेस्टिंग के अंदर ही कस्टम रूम, प्लेयर्स के साथ मल्टीप्लेयर खेल पा रहे हैं हम, व्हीकल के कंट्रोल्स, कैमरा मूवमेंट्स, कैरेक्टर के चलने का स्टाइल, भाई सब कुछ मुझे मतलब कि जितने भी गेम्स में इंडियन बैटल रॉयल में प्ले किया हूं, उन सबसे मुझे ये बढ़िया लगा है, लिटरली बता रहा हूँ। हाँ हाँ, बीजीएमआई से कंपेयर नहीं किया जा सकता है, तो भी मुझे बीजीएमआई जितना ये लगा इसका पूरा कॉन्सेप्ट लाइक उसके लेवल का ही है, बट तो भी बीजीएमआई से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। बट यहाँ पर अदर इंडियन बैटल रॉयल गेम से कंपेयर करें ना, तो ये वन ऑफ द बेस्ट गेम बन जाता है। और हाँ, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, लिटरली स्कारफॉल 2.0 का गेम प्ले इतना बढ़िया मुझे लगा कि मैं इसके ऊपर पर्सनली खुद से वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है ना, भाई तू स्पेशल इस गेम के ऊपर वीडियो क्यों बना, इसको इतना बढ़िया क्यों बोल रहा है, तो आप लोग मतलब एक बार खुद प्ले करना इस गेम को, ठीक है, और इसको डाउनलोड किस तरीके से कर सकते हैं आपको बताने वाला है आगे जाके। स्कारफॉल 2.0 के अंदर कोई कैरेक्टर पे फोकस नहीं किया गया है, लाइक का मतलब कि गेम प्ले बढ़िया है नहीं, कैरेक्टर्स पे कैरेक्टर्स गेम के अंदर ला रहे हैं, ऐसा नहीं। इसमें मतलब कि एक ही कैरेक्टर, दो कैरेक्टर, मतलब एक मेल एक और मेल फीमेल, और वही दो कैरेक्टर है पूरे गेम के अंदर। उसके अलावा ओनली फॉर ड्रेसेस है, देन वो सब बाकी सब जो होते गेम के अंदर होते हैं वो है। इनका मेनली फुल्ली अभी फोकस है ना गेम प्ले के ऊपर है, ना ही कैरेक्टर के ऊपर, ना ही किसी अदर चीज के ऊपर है। गेम प्ले एक्सपीरियंस कैसे पब्लिक का बेटर करे, पूरा फोकस इनका उसके ऊपर ही है। और लिटरली देखकर पता चलता है गेम प्ले कितना बढ़िया ये लोगों ने ऑप्टिमाइज करके रखा है गेम को। लिटरली अल्फा स्टेज में, भाई बीटा स्टेज भी इसका नहीं आया है, इतना बढ़िया चल रहा है अल्फा स्टेज में। भाई फाइनल रिलीज पे इस गेम का क्या सीन होगा, आप लोग मतलब कि एक्सेप्ट कर लो यार, एक्सपेक्ट करो, ठीक है। और यहीं पर बात करें इस गेम को डाउनलोड करने की, तो आप लोग इसका अल्फा वर्जन बिल्कुल आराम से एकदम मतलब कि लिटरली 3-4 दिन के अंदर आप लोग इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हो। आपको सिंपली करना कुछ भी नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सिंपली एक फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ, आपको सिंपली स्कारफॉल 2.0 प्ले करने के लिए वो फॉर्म को जो है ना पूरा का पूरा फिलअप कर देना है। उसके बाद 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर आपको अल्फा स्टेज का एक्सेस जो है ना आपके जीमेल के थ्रू आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग ऑफिशियली प्ले स्टोर से जाके स्कारफॉल 2.0 को डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर आपको इस बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर मैसेज कर सकते हो, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा, वो मेरी गारंटी है। और गाइस, आप लोग इसको मतलब कि बहुत ही इजीली डाउनलोड कर ही लोगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर इसको डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको सिंपल सा प्रोसेस बता दिया, ठीक है। यहाँ पर आपको ना ही कोई की का रिक्वायर्ड पड़ेगा, ठीक है, ना ही आपको जगह पे जाके एक्सेस वैक्सेस का सीन करना पड़ेगा, ठीक है, इसको एक्सेस का लेने के लिए, ठीक है। आपको सिंपल एक फॉर्म फिलअप करना है, आपको 100% एक्सेस मिल जाएगा इसको प्ले करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, वन ऑफ द बेस्ट इंडिया का बैटल रॉयल गेम तो ये है, क्योंकि मैंने पर्सनली इसको प्ले किया है, मैंने बाकी सब गेम्स को भी प्ले किया, इस गेम को भी प्ले किया हुआ, इसलिए मैं आपको एक्सपीरियंस के तौर पर बता रहा हूँ। तो यही था इंडिया का मोस्ट बेस्ट इंडियन बैटल रॉयल गेम। अगर आपको वीडियो पसंद है तो कर देना वीडियो को लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।
हमने टॉपिक के सर्वत्र के लिए जय हिंद जय भारत एंड वंदे मातरम।